दोस्तों, नाइसिन चैनल को स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे डाइकार्ब टैबलेट के बारे में, जिसे इसका कंपोजिशन है डाई थल कार्बामाइजिन इसका कंपोजिशन है। इसी कंपोजिशन के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि इस टैबलेट का एक ही कंपोजिशन है, वो है डाई थल कार्बामाइजिन। तो देखिए, ये जो टैबलेट है, इसका प्राइस लगभग 20 से 30 रुपीज़ में आपको मिलता है मार्केट में। 10 टैबलेट्स का प्राइस रहता है, हर कई कंपनी का एवरेजली इतना ही प्राइस रहता है। तो इसका यूजेस की बात करें तो ये फाइलेरिया में यूज किया जाता है, बैनक्रॉप्ट फाइलेरिया जैसे क्या कहा जाता है, उसके लिए यूज किया जाता है। और यसोनोफिलिक लंग्स, लंग्स में एक यसोनोफिलिक डिजीज रहता है, उसके लिए भी इसे यूज किया जाता है, जैसे कि ट्रॉपिकल पुलमोनरी यसोनोफिलिका एंड ट्रॉपिकल यसोनोफिलिया, ये रहता है लंग्स में, कुछ यसोनोफिलिया का रहता है, तो उस केसेस में इसे यूज किया जाता है। और रिवर ब्लाइंडनेस एक रहता है डिजीज, उसके लिए भी इसे यूज किया जाता है। देखिए, इट विल नॉट वर्क फॉर अदर काइंड ऑफ वर्म इन्फेक्शन, फॉर एग्जाम्पल टेप वर्म्स, पिन वर्म्स। देखिए, ये कुछ वर्म्स के लिए भी यूज किया जाता है, रिंग वर्म्स एक होता है, उसके लिए भी यूज किया जाता है। लेकिन देखिए, ये जो अदर्स वर्म्स होता है, जैसे टेप वर्म्स पेट में होता है, पिन वर्म्स होता है, उसके लिए यूज नहीं किया जाता है। तो देखिए, ये जो मेडिसिन है, ये आप डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करके ही लीजिए, ठीक है। देखिए, इस मेडिसिन को लेने से पहले आपका एलर्जिक यदि है इस कंपोजिशन से, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करिए। देखिए, और जैसे कि पीडियाट्रिक यदि आपको है, ये सारे यदि आप कुछ जैसे कि इंट्रैक्शन विद फूड, टोबाको, अल्कोहल, ये सारे ये से इंट्रैक्शन मत कीजिए। और आपको यदि किसी भी तरह की एलर्जी, किसी भी तरह की डिजीज है आपके, अभी भी आप उसका मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कीजिए। तो देखिए, साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट ऐसा कुछ नहीं होता है। पेन, फीवर कभी कभी आता है, पेनफुल नेक में, ग्रोइन में, ऐसा होता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में। स्किन रैशेस, लॉस ऑफ विजन्स, देखने में थोड़ा तकलीफ होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ऐसा होता है। इस तरह की केसेस हो रहा है तो आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करिए। तो डोजेस की बात करें तो 2 to 3 मिलीग्राम एडल्ट्स के लिए ज़्यादा दिया जाता है, जब यदि आपको फाइलेरिया के लिए दिया जा रहा है तो 2 to 3 मिलीग्राम दिया जाता है, और यदि आपको यसोनोफिलिक लंग्स के लिए दिया जाता है तो 6 मिलीग्राम दिया जाता है। तो ये डॉक्टर के हिसाब से देते हैं, डॉक्टर आपकी आपका जो कंडीशन कैसा है वो देखकर डॉक्टर देते हैं। तो दोस्तों, ये था डाईथाइल कार्बामाइजिन के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यूजेस इसका फाइलेरियाज के लिए यूज किया जाता है, और यसोनोफिलिक लंग्स के लिए, रिवर ब्लाइंडनेस मतलब आपका जो दिखने में कुछ तकलीफ होता है उस टाइम भी दिया जाता है। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो इसे लाइक करें, कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इस टाइप के नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।